नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश 21 अप्रैल रविवार सुबह 11:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम पर फिर से विवाद हो सकता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि अगर हम सत्ता में आए तो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को फिर से वापस लाएंगे। इसके लिए पहले बड़े स्तर पर सुझाव लिए जाएंगे। इस पर पलटवार करते हुए कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि इस बार वे कितना लूटेंगे। अजमेर में भाजपा के राजस्थान प्रभारी विनय सहस्त्रबुद्धे शनिवार को अजमेर पहुंचे। लोकसभा चुनाव के लिए राजस्थान में पहले चरण में वोटिंग कम होने पर वे बोले, जहां सरकार बदलनी होती है तब जोर शोर से वोटिंग करते हैं, जब सरकार वही रखनी होती है तो लोगों में उत्साह थोड़ा कम होता है। वसुंधरा राजे के सवाल पर कहा कि वे स्टार प्रचार के लिस्ट में है, मैं उनसे लगातार संपर्क में हूँ, रामनवमी के कारण वो अपनी पूजा पाठ में थी। राजस्थान जैन सभा के तत्वाधान में रविवार को रामलीला मैदान में आयोजित धर्म सभा के दौरान जिनेश्वरी दीक्षा का आयोजन होगा। महावीर जयंती समारोह प्रमुख समन्वयक अशोक जैन नेता ने बताया कि आचार्य चैत्य सागर महाराज के सानिध्य में दीक्षार्थी राकेश वीर भानु जैन जिनेश्वरी दीक्षा ग्रहण करेंगे। 12 लोकसभा चुनाव के तहत प्रशासन वाहनों का अधिग्रहण कर रहा है। प्रशासन ने अधिग्रहित वाहन को ड्यूटी पर नहीं भेजे जाने पर मालिक के खिलाफ कार्यवाही की चेतावनी दी है। जिला परिवहन अधिकारी पीआर जाट ने बताया कि जिले में अधिग्रहण किए गए वाहनों को निर्धारित दिनांक, स्थान एवं समय पर रिपोर्ट करना होगा। जिले में 22 और 23 अप्रैल को लगभग 424 वाहनों की रिपोर्टिंग कोटा रोड के राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल खेल मैदान में होगी। पाली में भगवान महावीर जयंती पर रविवार को शहर में शोभा यात्रा निकाली जाएगी। शोभा यात्रा में 44 झांकियां, 20 बैंड, 20 भजन मंडलियां, 5 बग्गियां, बीजापुर का कड़कधारी ढोल, ओला बुलेट रैली जैसे कई आकर्षण देखने को मिलेंगे। पूर्व सीएम अशोक गहलोत की बहू और जालौर सिरोही लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी वैभव गहलोत की पत्नी हिमांशी गहलोत चर्चाओं में है। शनिवार को सिरोही के रेवदर में उन्होंने एक कार्यक्रम के दौरान भाजपा प्रत्याशी लुम्बाराम के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। वैभव गहलोत लुम्बाराम के खिलाफ चुनावी मैदान में हैं। मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच जयपुर में 22 अप्रैल को मैच है। मुंबई की टीम शुक्रवार देर रात जयपुर पहुंची। इस दौरान विकेट कीपर ईशान किशन और अर्जुन तेंदुलकर सुपर हीरो की ड्रेस में दिखे। जोधपुर शहर में महिलाओं की ओर से धीगा गबर मेले को लेकर तैयारियां की जा रही है। इस बार परंपरा से हटकर महिलाओं की ओर से ईसर गबर की शादी भी करवाई जाएगी। इसको लेकर महिला मंडल की ओर से पहल की गई है। ऐसे में महिला मंडल की ओर से गबर ईसर की शादी को लेकर मंगल गीत गाए जा रहे हैं। टोंक लोकसभा चुनाव को लेकर गद्दी न हुए दूसरे प्रशिक्षण में 12 कर्मचारी अनुपस्थित रहे हैं। अब इनके खिलाफ विभागीय कार्यवाही की जाएगी। इसके लिए इन्हें नोटिस जारी कर दिए गए हैं। इनसे 2 दिन में जवाब मांगा है, जवाब संतोषप्रद नहीं मिला तो इनके खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। बीकानेर लोकसभा सीट के लिए मतदान की अंतिम सूची जारी हो गई है। बीकानेर में कुल 54.11% मतदान हुआ है, जबकि सर्वाधिक मत अनूपगढ़ और इसके बाद बीकानेर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में पड़े हैं। मतदान के प्रति सबसे कम रुझान नोखा क्षेत्र में रहा। वहीं डूंगरगढ़ और कोलायत में भी अपेक्षा से कम मतदान ने नेताओं के चेहरे पर चिंता की लकीरें खींच दी है। देश और दुनिया में बड़े बाबा का बड़ा मंदिर और प्रतिमा चर्चित है। अब बड़े बाबा की बड़ी मूर्ति पर दुनिया का सबसे बड़ा छत्र, भाव मंडल और चंवर भी अर्पित होने जा रहे हैं। ये शनिवार को दिल्ली के एक भक्त ने अर्पित किए हैं। मुरादाबाद लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी कुंवर सर्वेश सिंह का निधन हो गया है। इस सीट पर शुक्रवार को लोकसभा चुनाव के पहले चरण के तहत वोटिंग हुई थी। पेशे से बिजनेसमैन कुंवर सर्वेश कुमार को उत्तर प्रदेश के बाहुबली नेताओं में से एक माना जाता था। पीएम नरेंद्र मोदी रविवार दोपहर को भीनमाल के रामसिंह रोड पर भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे। सभा की तैयारियां पूरी कर ली गई है। सभा स्थल के चारों तरफ बैरिकेडिंग लगाए गए हैं। मोदी के दौरे को लेकर चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कर्मी तैनात रहेंगे। सभा स्थल के पास ही हेलीपैड बनाया गया है। शनिवार को सभा स्थल पर दिन भर अधिकारियों की आवाजाही रही। लोकसभा चुनाव के तहत शनिवार को यूपी के अमरोहा में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सपा नेता अखिलेश यादव ने जनसभा को संबोधित किया। अखिलेश यादव ने कहा कि पहले चरण के चुनाव में भाजपा की हवा निकल गई है। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार बनने पर महालक्ष्मी योजना लागू की जाएगी। इस योजना से दोनों दिग्गज नेताओं ने इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी दानिश अली के समर्थन में मतदान की अपील की है। अनुपगढ़ जिले के रायसीनगर इलाके में शुक्रवार को हुई ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान पर किसानों ने समेजा कोठी उप तहसील पर विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही लोगों ने नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। इन लोगों का कहना था कि फसल के पके होने के बाद नुकसान हुआ है, ऐसे में किसान को इसका मुआवजा मिलना चाहिए। तो फिलहाल खास खबरों में इतना ही, और ताज़ा खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए एसपीटी न्यूज़। धन्यवाद। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।